ओके, सो एक्सरसाइज वन का पार्ट सेकंड है ना, पार्ट सेकंड ऑब्जेक्टिव सेक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर A3 में, हाँ ये मॉडर्न मॉडर्न प्रोसेस ऑफ व्हाइट फास्फोरस मैन्युफैक्चरिंग बताया था आपको, एपेटाइट रॉक जो फास्फोराइट था ना, उसको SiO2 से रिएक्शन कराते थे। फास्फोराइट को SiO2 से रिएक्शन कराने के बाद एक रिएक्शन होता था, ये क्लास में डिस्कस नहीं हुआ था क्या? क्लास में होना चाहिए डिस्कस ये वाला। तो A3 वाला देखो, Ca3PO4 होल ट्वाइस का रिएक्शन SiO2 से कराया था। Ca3 नहीं हुआ क्या? गिव मी 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट दो मुझे, अभी करते हैं। तो सी ए लिखो, कॉपी में लिखो, Ca3PO4 होल ट्वाइस, Ca3PO4 होल ट्वाइस, प्लस SiO2। बना लोगे आप लोग? लक्स फ्लड डेफिनेशन लगाओ, लक्स फ्लड डेफिनेशन लगाओ, उससे रिएक्शन बन जाता है। Ca3PO4 होल ट्वाइस प्लस SiO2 ठीक है। अब Ca3PO4 होल ट्वाइस को लिखो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस P2O5, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस P2O5, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस P2O5 है ना, कैल्शियम ऑक्साइड को SiO2 से रिएक्ट करा दो। कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक है, SiO2 एसिडिक है, दोनों को आपस में रिएक्ट करा के कैल्शियम सिलिकेट बना दो और P2O5 आ जाएगा, अलग हो जाएगा ठीक है। P2O5 का कार्बन से रिएक्शन करा दो, तो कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन गेन कर लेगा। इसमें दिया ही नहीं है मैं लगता सीट में। P2O5 का रिएक्शन कार्बन से करा दो, तो जो कार्बन होगा वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन उठा लेगा P2O5 से और आपको फास्फोरस दे देगा। इस तरीके से आप इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हो, है ना। बोर्ड पे लिख रहा हूं, सीट में दिया हुआ है ठीक है, तो देख लो, सीट से भी देख सकते हो ये रिएक्शन है ना। बाकी आपको याद करना कैसे है तो वो मैं आपको सिखा देता हूं। याद करने का तरीका ये है कि आप ये जो आपका कैल्शियम फॉस्फेट है, यहाँ पे तीन कैल्शियम है, देखो आप, तीन कैल्शियम है, इसका मतलब यहाँ पे तीन कैल्शियम ऑक्साइड रहे होंगे और फॉस्फोरस दो है, तो P2O5 कर लो। देखो नंबर ऑफ एटम बैलेंस हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल बैलेंस हो गए, समझे। अब ये तीन जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये वाले जो SiO2 है, ये 3 मोल्स SiO2 से रिएक्ट कर जाएंगे, तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो यू विल गेट 3 मोल्स ऑफ CaSiO3 जो कि यहां बन रहा है। इस तरीके से आपको P2O5 यहां पे मिल जाएगा, वो P2O5 का कार्बन से करा देना रिडक्शन। कार्बन का काम क्या होता है मेटलर्जिकल प्रोसेस में, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, कार्बन का क्या काम होता है? कार्बन का जो काम होता है वो ऑक्सीजन खाना होता है, ऑक्सीजन इनहेल करता है ना ठीक है। P4 बना रहा ठीक है, नो इश्यू। P4 इसको जो है ना, अगर सीट में P4O10 लिखा है तो भी कोई समस्या नहीं है, ये दो टू टाइम्स लिखा है, तो यहाँ पे आप इसकी जगह पे P4O10 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा भी किया जा सकता है ना। इस तरीके से कार्बन का काम रिडक्शन करना होता है, लेकिन कार्बन मेटलर्जिकल प्रोसेस में क्या करता है ना, बोलो, ब्रीदिंग करता है। ब्रीदिंग मतलब सांस लेता है, सांस लेता है मतलब ऑक्सीजन लेता है, तो ऑक्सीजन उठाने का काम जो है ना वो किसका होता है, किसका होता है, कार्बन का होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। तो यहां से क्या करेगा, ऑक्सीजन उठा लेगा जितना भी है
और वो क्या कर देगा, P4 दे देगा। इस तरीके से रिएक्शन होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप लोग। सेक्शन बी में कोई डाउट है आपका? सेक्शन बी में कोई डाउट है? B1, B2, B3 जल्दी बोलो। B6, सो B6 में विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी? सो हाईएस्ट जो बेसिकली बॉन्ड एनर्जी का जो फंडा है वो क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी का डेफिनेशन हमें जो बताता है वो क्या कहता है? बॉन्ड एनर्जी बेसिकली किस पे रहता है? बॉन्ड एनर्जी का जो डेफिनेशन है वो कैसे रहेगा वो देख लो आप लोग। बॉन्ड एनर्जी का रिलेशनशिप जो है, बॉन्ड एनर्जी का जो रिलेशनशिप है बॉन्ड लेंथ के साथ, वो इस तरीके से है, आप सबको पता है, प्रोपोर्शनल टू 1/ बॉन्ड लेंथ होता है। तो बॉन्ड लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑक्सीजन ऑक्सीजन को ज्यादा होना चाहिए सल्फर सल्फर से, फिर सेलेनियम सेलेनियम से, ये कुछ ऐसा ऑर्डर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड लेंथ, है ना, अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड लेंथ वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बॉन्ड लेंथ वाले पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, ये वाला ऑर्डर बनना चाहिए। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से ये वाला ऑर्डर बनना चाहिए। ठीक है, आ रही बात समझ में, है ना? तो ये ऑर्डर आपका बनना चाहिए था, लेकिन यहां पर एक चेंज आएगा, और वो चेंज क्या आएगा, वो ये चेंज आएगा कि जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है, ऑक्सीजन एटम छोटा है ना, ऑक्सीजन एटम छोटा तो है और उसके ऊपर लोन पेयर भी है। आई रिपीट, ऑक्सीजन एटम साइज में कम है और उसके ऊपर में लोन पेयर भी है, समझे? तो यहां पे एक समस्या ये हो रही है, यहां पे ये समस्या हो रही है कि यहां पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है यहां पर, ओके, यहां पे 6 लोन पेयर, 3-3 लोन पेयर जो प्रेजेंट है, इनमें आपस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। तो यहां पे लोन पेयर रिपल्शन की वजह से क्या होता है, क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है और ये पीछे पहुंच जाएगा। तो एग्जैक्ट ऑर्डर जो निकल के आता है वो ये निकल के आता है, समझे? इस तरीके से तो SS बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा हो जाती है। क्यों ज्यादा हो जाएगी? क्योंकि साइज बड़ा है। तो साइज बड़ा होने से क्या होगा कि आपको जो रिपल्शन है वो मिनिमाइज हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट जो है ना वो आप आगे चल के हेलोजन फैमिली में पढ़ोगे, सेम कंसेप्ट पढ़ोगे, है ना? और हो सकता है केमिकल बॉन्डिंग में कराया गया, एप्लीकेशन ऑफ VSEPR थ्योरी में पढ़ाते हैं कि ये कहते हैं कि हेलोजन में ये ऑर्डर होना चाहिए था, हेलोजन में बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर होना चाहिए था वो यही होना चाहिए था, लेकिन रियलिटी ये है कि बॉन्ड एनर्जी का ये ऑर्डर नहीं होता है, और बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर Cl2 आता है, फिर Br2 आता है, और F2 तो Br2 से पीछे चला जाता है। फ्लोरीन का बॉन्ड रिसोर्सेस एनर्जी तो ब्रोमीन से ही पीछे चला जाता है, और रीजन वही है कि F एटम छोटा एटम है और इसके पास जो लोन पेयर रिपल्शन होता है, उस लोन पेयर रिपल्शन की वजह से क्या होता है, आसानी से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, कराया था, बिल्कुल उसी पे करना है ना। ओके डन, वेरी गुड, है ना? आगे बढ़ते हैं और D6 पर आते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी इन बॉन्ड एनर्जी इन, तो इनमें बॉन्ड ऑर्डर निकालो आप लोग। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी इन S2O3 2 नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव और SO3 S2O6 2 नेगेटिव, तो यहां पे क्या करोगे, यहां पे आप बॉन्ड ऑर्डर जो है ना वो कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करोगे? बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, है ना, बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, उसको आप यूज करो, अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद आप अपने कर लीजिए। तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर आने वाला है वो किसका आने वाला है, SO3 का आने वाला है। तो ऑप्शन तो एक ही, उसी को कर दो टिक, सी ऑप्शन ही तो है, नहीं दो ऑप्शन है आपके पास, SO3 हाईएस्ट आएगा। क्यों SO3 हाईएस्ट आएगा? क्योंकि SO3 के केस में क्या होगा, SO3 के केस में इस तरीके से जो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आने वाला है वो कितना निकल के आने वाला है, वो 2 निकल के आने वाला है। SO3 के केस में बॉन्ड ऑर्डर 2 निकल के आने वाला है। ठीक है, ये हो जाएगा, और उसके बाद जो है ना आप देखो कि S2O3 और S4O6 में क्या होने वाला है, है ना? तो क्या था आपका, हाँ ये था ना Na2S2O3, मतलब इसमें स्ट्रक्चर बना लीजिए ऐसे करके, ये बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये वाला बनेगा, और दूसरे वाले में क्या बनेगा, S2,
तो S2O6 टू निगेटिव, S2O6 क्या था, टू निगेटिव था, थ्री निगेटिव था, टू निगेटिव है, ठीक है भाई, S2O6 टू निगेटिव बना लेते हैं। तो S2O6 टू निगेटिव तो फिर इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसमें देखो और क्या था, SO4 टू निगेटिव है ना, SO4 टू निगेटिव ये वाला है ना। तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल के आएगा, बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा बॉन्ड, पाई अपॉन सिग्मा बॉन्ड। सो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1 प्लस पाई बॉन्ड कितने, 2, सिग्मा बॉन्ड कितने, 4, दैट बिकम 1.5। तो SO4 टू निगेटिव का तो 1.5 आ जाएगा। इसका क्या निकल के आएगा, इसमें यहां पे नहीं जाएगा है ना, यहां पर नहीं जाएगा, क्या नहीं जाएगा, ये डिलोकलाइजेशन नहीं जाएगा। तो इसको सिग्मा बॉन्ड में काउंट मत करना, ठीक है, इसको सिग्मा बॉन्ड में काउंट मत करना। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा, ये आ जाएगा। सो इट इज 1.66 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से आंसर आ जाना चाहिए यहां से। तो S2O6 का ज्यादा आएगा, यस, S2O6 का ज्यादा आएगा किससे, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 पॉइंट। तो आपका जो आंसर आएगा वो सी आंसर आ जाना चाहिए, देख लो है ना, सी आंसर जो है ना वो आ जाना चाहिए। बीच वाला काउंट क्यों नहीं किया, बीच वाला काउंट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला बनता है, जिस बॉन्ड का देखो, जो पाई बॉन्ड डीलोकलाइजेशन में बेसिकली होता क्या है, डीलोकलाइजेशन में, रेजोनेंस में, जो सिंगल बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होता है, और जो डबल बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड की तरफ आता है, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है। तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है, जो सिंगल बॉन्ड होता है, उसमें जो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर उसमें डेवलप होता है, जिसमें रेजोनेंस पहुंचता है, जिसमें रेजोनेंस पहुंचेगा ही नहीं उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप नहीं होगा। इसलिए हम लोग यहां पे वो वाले ही सिग्मा बॉन्ड रखते हैं जिनमें रेजोनेंस पहुंचता है, ठीक है। आसान में इस तरीके से करना है, ये कर लेना, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं, किसने और पूछा है भाई, B3 पूछा है। B3 का जो आंसर है, नाइट्रोजन एटम मे कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इन सेवरल वेज, ठीक है, और विच इज इनकरेक्ट। तो बाकी तो सब ठीक है। डी वाले में लिखा था फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स विद इलेक्ट्रॉन गेन, तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है ना, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऑलरेडी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है ऑक्टेट, तो अब इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, इसलिए डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। सभी का ऑक्टेट इसमें जो भी लिखा हुआ है, इन सब में नाइट्रोजन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो चुका है, नॉट विल नॉट गेन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बल्कि देखा जाए तो NH4+ में उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज ही किया है, सभी में नाइट्रोजन पर ही प्लस चार्ज आएगा। B3 जिन्होंने पूछा था सुन लें, उनमें नाइट्रोजन एटम पर ही प्लस चार्ज है, तो नाइट्रोजन एटम ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, गेन नहीं किया है, आप किसी भी सेंस में समझ सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर B5 आपने कर लिया होगा, स्ट्रक्चर मैंने बता दिए थे आपने जब जब बिल्कुल किया होगा, और आपको याद भी होगा जितने पी होते हैं सब पे पी डबल बॉन्ड ओ होता है, तो 3 आंसर आ जाएगा है ना। 95 डिग्री जो है ना, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलोट्रोपी ऑफ सल्फर, रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर इज द करेक्ट वन, बिकॉज बिकॉज 95.5 डिग्री सेल्सियस इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर। आपको याद होगा रोम्बिक सल्फर से मोनोक्लिनिक जाने के लिए 95.5 डिग्री सेल्सियस इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो इतने टेम्परेचर पे अप्रोक्सीमेट 100 डिग्री सेल्सियस पे आप रोम्बिक सल्फर को किसमें कन्वर्ट करते हो, मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो इन्होंने सी ऑप्शन लिखा हुआ है वही सही लग रहा है, बाकी और सही नहीं है, डन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर B6 कंप्लीट है, B7 कंप्लीट है, B8 हो गया, B8 हो गया है सबका, B8 हो गया है क्या, ये सुनो, B8 हुआ है, ठीक है। देन B8 के बाद B9 और B10 हो गए, ठीक है, डन। तो यहां पे डिस्कशन खत्म करते हैं, 15 मिनट इज ओवर। ओके, सो नेक्स्ट क्लास के लिए आप डिस्कशन आगे कर लीजिएगा है ना, मैं करता रहूंगा ऐसे, ठीक है। अब हर एक क्लास में डिस्कशन चलेगा, ऐसा कोई क्लास नहीं होगा जिसमें डिस्कशन नहीं होगा है ना, आप चलता रहेगा डिस्कशन, क्योंकि सीट्स अपनी हो गई है, और आपको लग भी रहा होगा कि पूरा पढ़ने के बाद डिस्कशन। अब मैंने ये जो पढ़ाया था, ये स्ट्रक्चर है, ये मैंने आखिरी क्लास में पढ़ाए हैं,
और वो एक्सरसाइज वन के बी सेक्शन में है ना, एक्सरसाइज वन के बी सेक्शन में है, इसलिए मेरे को लगा कि यार सब पहले पूरा पढ़ा दिया जाए उसके बाद मैं कर दूंगा। यस डिस्कशन हो जाएगा, क्वालिटेटिव का भी हो जाएगा, आप चिंता मत करो, है ना। 15 मिनट बहुत होते हैं, अगर हम रेगुलर करते रहे तो हो जाएगा, और कहीं जरूरत पड़ी एक्स्ट्रा क्लास की तो मैं लगा दूंगा, डिस्कशन का मैं क्लास लगा दूंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है, हो जाएगा, आप करो। चलो आगे बढ़ते हैं, पिछले क्लास में है ना रेजोनेंस कब ओपन होगा, रेजोनेंस बंद ही नहीं हुआ तो ओपन का होगा क्या होगा, रेजोनेंस तो बंद ही नहीं हुआ है, ओपन की क्या बात है, चल रहा है रेजोनेंस, उसमें क्या है, बस बिल्डिंग में नहीं जा रहे हैं, बाकी चल ही रहा है ना, सॉल्यूशन भी आपको मिल गए है ना, सारे पेपर के सॉल्यूशन बना दिए गए, सभी मिले हैं आपको, आपकी सीट से क्वेश्चन आया था इसमें अभी जेई मेन में कल 5 तारीख वाले जो पेपर जो है वो मैंने ही रिकॉर्ड किया था, तो उसमें इस तो मुझे याद भी है। सेक्शन जी का G2 नंबर क्वेश्चन था, वो जेई मेन में अभी आया, सेक्शन जी का G2 नंबर क्वेश्चन जो है ना, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल आइडेंटिकल क्वेश्चन था ये वाला, जिसमें अमोनिया की रिएक्शन जो है ना एक्सेस ऑफ क्लोरीन से कराते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है, अमोनिया के दोनों रिएक्शन पढ़ाए थे मैंने, तो ये क्या बनाएगा, NCl3 बनाएगा और HCl बनाएगा, ये रिएक्शन था, ये रिएक्शन पूछा गया अभी है ना, ये 5 सितंबर जिस दिन टीचर्स डे था उस वाले जेई मेन में पूछा गया था, ठीक है, ओके नाउ ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखते हैं ना, ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यूज करके कोई रीजन नहीं बताया जाता। नाउ आगे बढ़ते हैं, और हम लोग कर रहे थे वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन, सो उसी को आगे बढ़ाते हैं। वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन जो चल रहा था हमारा, ये टॉपिक हमारा चल रहा है कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर, है ना। चलिए आगे बढ़िए, इसमें काम और कर लीजिएगा, मैंने एसिड और बेस के तो पढ़ा दिए थे है ना, हमने बेंजोइक एसिड का कर लिया होगा ना आपने, नहीं किया है बेंजोइक एसिड वाला, कर लिया, वेरी गुड, नो कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर में, अभी क्या हो गया, इतने सारे हैंड केजे सर लेफ्ट है, पता नहीं मुझे नहीं मालूम है ना, कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर जो होगा उसमें आप लोग क्या करिए, उसमें डोंट वेस्ट टाइम, टाइम वेस्ट मत करो, एक और लिखो, एक हेडिंग लिखो उसमें, इक्विवेलेंट वेट कर लो, ठीक है, हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिकुलर वेट, अपॉन वैलेंसी फैक्टर, है ना, एम बाई वैलेंसी फैक्टर हम लोग लिख देते हैं ऐसे, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, ओके। हाँ मैं आंसर करता, अभी अपने थोड़ा थ्योरी वाला काम करते हैं, अभी कोई कुछ मत बोलो, है ना, ये लिखो अभी, इक्विवेलेंट वेट जो होगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर होता है। पिछले क्लास में हमने स्ट्रॉन्ग एसिड का वैलेंसी फैक्टर निकाला था, क्या कहा था, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच प्लस आयन जो होंगे, ठीक है, H2SO4 का, इसका क्या आएगा वैलेंसी फैक्टर बोलो, 1 आएगा, इसका क्या आएगा वैलेंसी फैक्टर, 2 आएगा, और इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा बोलो, M/1 आएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, M/2 आएगा। इक्विवेलेंट वेट का जो सिंबल है वो क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट का जो सिंबल है वो E है, मॉलिक्यूलर वेट का M है। तो मैं स्टूडेंट को बोलता हूं कि यार आपको मॉलिक्यूलर वेट के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन है, बस मैं आपको वैलेंसी फैक्टर सिखा दूंगा तो आपको क्या निकल आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की, तो स्ट्रॉन्ग बेस के केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस में जैसे NaOH है और बेरियम हाइड्रोक्साइड वगैरह है, इस तरीके से ये रहेगा, तो यहाँ पे जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो क्या होगा, यहाँ वैलेंसी फैक्टर 1 होगा, यहाँ वैलेंसी फैक्टर कितना होगा बोलो, वो 2 होगा। अब यहाँ पे जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो क्या होगा, वो होगा M/1, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो क्या होगा, वो होगा M/2।
इस तरीके से रहने वाला है ना। कुछ लोगों ने मुझसे ये सब पूछा था, मैं अभी आगे नहीं जाऊंगा, वेरिएशन में नहीं जाता हूँ, बी ओ एच होल थ्राइस वगैरह ये सब पूछे हुए हैं। ये H3BO3 है, ये H3BO3 जो है ना, ये बी ओ एच होल थ्राइस लिखा जरूर जाता है, लेकिन ये बोरिक एसिड है, तो उसको मैं यहाँ पे नहीं लेकर आऊंगा, जैसा दिखाई दे रहा वैसा यहाँ पे नहीं लाऊंगा उसको, है ना। तो इसको यहाँ नहीं ला रहा हूँ, अभी आप ऐसे रखिए। यहाँ पे जो भी आपको ये दिया गया है, ये जो मैंने लिखा इक्विवेलेंट वेट, या मैंने जो भी यहाँ लिखा हुआ है, ये सब कुछ नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में था। आपके आपके क्लास में, पिछली क्लास में नॉन रिएक्टिंग कंडीशन को लिखा गया था, लिखा गया था। नाउ अब हम लोग बात करते हैं, और बात करते हैं कि इक्विवेलेंट वेट, सॉरी वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन, है ना, वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन कैलकुलेशन इन एसिड बेस रिएक्शन, वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन इन एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन में क्या होगा, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो वैलेंसी फैक्टर का कैलकुलेशन कैसे होता है ना। तो डेफिनेशन अभी भी वही है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच प्लस आयन, अभी भी वही डेफिनेशन बना रहेगा। कैसे, देखो जैसे HCl का रिएक्शन किसके साथ कराया, NaOH के साथ कराया, तो आपको क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, NaCl प्लस H2O बनेगा। ओके अब ये जो वैलेंसी फैक्टर का है कि वैल्यू, यहां पे पहले कितने H थे HCl के पास, एक H प्लस आयन था, रिएक्शन के बाद उसके पास H प्लस आयन नहीं बचा है। आई रिपीट, HCl के पास पहले एक H प्लस आयन था, रिएक्शन के बाद उसके पास H प्लस आयन नहीं बचा है, तो उसका एक H प्लस आयन रिप्लेस हो गया है। ठीक है, एक H प्लस आयन रिप्लेस हो गया है, इसलिए यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, बोलो, वन आएगा। NaOH की बात करें तो NaOH के पास कितने थे, OH आयन दो थे, लेकिन सॉरी OH कितने थे, एक थे, लेकिन रिएक्शन के बाद क्या होगा, रिएक्शन के बाद यहां पर उसका जो ये है OH आयन वो रिप्लेस हो गया है, इसलिए वैलेंसी फैक्टर वन आएगा। तो आप कहोगे सर पहले भी तो वन आ रहा था, अभी नया कुछ हुआ क्या, नया इसलिए नहीं कुछ हो पाया क्योंकि दोनों के पास एक एक एच प्लस आयन और एक एक ओ एच आयन थे, इसलिए नया कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ अब होगा, ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल सुनो, दूसरा एग्जाम्पल में क्या था, जैसे H2SO4 है, तो H2SO4 क्या करेगा, जब NaOH से रिएक्ट करेगा तो क्या बना के देगा, एक बना के दे सकता है NaHSO4 प्लस H2O, दो एच प्लस आयन में हो सकता है केवल एक एच प्लस आयन का ही क्या हो, न्यूट्रलाइजेशन हो। तो H2SO4 के पास कितने कितने एच प्लस आयन थे, H2SO4 के पास कितने एच प्लस आयन थे, यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, चलिए पार्टिसिपेट कीजिए। H2SO4 के पास रिएक्शन से पहले कितने एच प्लस आयन थे, दो थे, ठीक है ना, और रिएक्शन के बाद कितने बचे, NaOH से रिएक्शन के बाद एक बचा, तो कितने रिप्लेस हुए, कितने रिप्लेस हुए, सो जितने रिप्लेस हुए वही आपका क्या हो जाएगा, बैलेंसी फैक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा वन। बात सुन आ रही है, जबकि H2SO4 का यहां पे कितना हो रहा था, यहां पे कितना था, यहां पे टू था। तो अगर मैं इन जनरल आपसे H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट पूछूंगा तो आप कितना बताओगे, ऐसे पूछा, फाइंड द फाइंड द बैलेंसी फैक्टर ऑफ H2SO4 या फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, तो क्या करोगे, है ना, तो आप क्या करोगे, 98/249 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, ठीक है। नाउ अभी क्या होगा, अभी मैं कहता हूं कि फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इन दिस रिएक्शन, है ना, अगर मैं इस रिएक्शन में बोलता हूं तो कितना आ जाएगा, बोलो, तो वो 98 ही आएगा। इस तरीके से बदलेगा, है ना, रिएक्टिंग कंडीशन में और नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में क्या होगा, वो बदलेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी में आगे बढ़ते हैं, और हम मैं लिखता हूं कि H2SO4 का रिएक्शन अगर हम 2NaOH से करा दें, H2SO4 का रिएक्शन अगर हम 2NaOH से करा दें तो क्या हो जाएगा, तो बनेगा Na2SO4 प्लस 2H2O, ये बन जाएगा। तो यहां पे जो वैलेंसी फैक्टर होगा कितना हो जाएगा, बोलो, वो 2 हो जाएगा। हाँ नॉर्मेलिटी भी पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करो, पूरा ही पढ़ाऊंगा, जब मैंने ऑक्सीडेशन नंबर भी पढ़ाया, जब मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी पढ़ा दिया है ना, जो कि आप पहले से पढ़ चुके थे, ठीक है, तो वो भी पढ़ा दूंगा, डन। NaOH का क्या होगा, NaOH के पास एक ही OH आयन है यहां पर, है ना, यहां पर NaOH के पास एक ही OH आयन है, तो एक ही होगा रिप्लेस। अब आता है कि यहां पे क्या होगा, यहाँ पे जो जो ये टू कोफिशियंट है, ये इसके मोस बता रहा है, ये इसके मोस बता रहा है, वैलेंसी फैक्टर नहीं बता रहा है। तो वैलेंसी फैक्टर भी जो होता है पर मॉलिक्यूल डिफाइंड होता है, आई रिपीट,
वैलेंसी फैक्टर भी पर मॉलिक्यूल डिफाइंड होता है, ठीक है? तो पर मॉलिक्यूल डिफाइंड होगा तो क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा बोलो, वो वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, यहाँ पे वन ही आएगा, दो नहीं आएगा। एनएच का भी वैलेंसी फैक्टर वही आएगा, टू आएगा, है ना? ठीक है, इस तरीके से डन। इक्विवेलेंट वेट निकालते ही क्यों है, सही बात है, हम पढ़ते ही क्यों है जब अनपढ़ लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं ना, क्यों हम पढ़ते ही क्यों है जब हमारे देश में अनपढ़ लोग जो है ना, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास पावर भी ज्यादा है और पैसा भी सब कुछ ज्यादा है, ठीक है? तो हम इक्विवेलेंट वेट इसलिए निकालते हैं क्योंकि केमिस्ट्री में दो ऐसे लॉ थे, है ना? केमिस्ट्री में वैलेंसी फैक्टर टू नहीं हो सकता, वैलेंसी फैक्टर टू नहीं हो सकता है ना? ठीक है, वैलेंसी फैक्टर टू नहीं हो सकता है NOH का, वैलेंसी फैक्टर जो है ना वो टू नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जो NOH है उसके पास एक ही OH आयन है, पर पार्टिकल वो एक OH आयन रिप्लेस कर पाएगा, तो उसका क्या होगा, उसका एक ही OH आयन रिप्लेस हो सकता है, इसलिए हो जाएगा। यस, फैराडे लॉ है, यस बता रहा है कि रिप्लेसेबल एच आयन का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड दोनों के लिए अप्लीकेबल है, बिल्कुल अप्लीकेबल है। ऑन रिएक्टिंग कंडीशन में, है ना जानवी, रिएक्टिंग कंडीशन में वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू एन फैक्टर, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? वैलेंसी फैक्टर जो है ना वो एन फैक्टर ही, मैं वैलेंसी फैक्टर बोलता हूँ, कुछ लोग एन फैक्टर बोलते हैं, जैसा भी है देख लो, है ना? क्या क्वेश्चन था इसका, एक मिनट रुकना। एक मिनट यार, क्वेश्चन ही चला गया। हाँ, CH3COOH का ना, ठीक है, तो जो वैलेंसी फैक्टर होता है बेसिकली इसके लिए CH3COOH के लिए, तो आप वो देख लीजिए, न्यूट्रलाइजेशन में तो गारंटी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है वो 100% कंप्लीट होती है ना? क्या आपको ये पता है कि वीक एसिड का जब आप न्यूट्रलाइजेशन करोगे NOH के साथ तो ये रिएक्शन 100% कंप्लीट होगी, CH3COONa बनेगा और प्लस H2O बनेगा, तो 100% कंप्लीट होगी, बिकॉज इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वगैरह पढ़ाया जाता है, देख लेना इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का लेक्चर वगैरह, अगर किसी को नहीं पता है तो वो लेक्चर देख लेना, 100% कंप्लीट होगी, और 100% कंप्लीट होने की वजह से इसका जो एक एच प्लस आयन होगा वो रिप्लेस हो गया, यहाँ पे क्यों आ गया, सोडियम आ गया, तो द वैलेंसी फैक्टर बिकम वन, है ना? एक तो ये आंसर है। ओके, नाउ हम लोग एक और वीक एसिड लेते हैं जो आपको पढ़ाया गया था, वो था H3PO4, है ना? तो H3PO4 में कितने H+ आयन होते हैं रिप्लेसेबल, H3PO4 में कितने रिप्लेसेबल H+ आयन होते हैं, है ना? H3PO4 में 3 रिप्लेसेबल H+ आयन होते हैं, तो H3PO4 का 3 स्टेप में न्यूट्रलाइजेशन किया जा सकता है। H3PO4 जो है ना, चाहो तो अगर आप उसमें 1 मोल NOH, अगर आपने ये 1 मोल लिया और ये 1 मोल लिया, तो यू विल गेट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन NaH2PO4 प्लस H2O, ये हो जाता है। और अगर आपने ये लिया H3PO4, इसका 1 मोल लिया लेकिन आपने NaOH2 मोल लिया, तो ये क्या होगा, तो हो जाएगा Na2HPO4 प्लस H2O, ठीक है? नाउ अगर आपने 3 मोल लिया H3PO4 को 3 मोल NOH लिया, तो क्या होगा, Na3PO4 प्लस 3H2 हो जाएगा, यहां पे 2H2 होगा। इन तीनों प्लेस पर, यहां पर H3PO4 के 3 में से 1 रिप्लेस हुए क्योंकि 2 मेंटेन है, यहां 3 में से 1 मेंटेन है, 2 रिप्लेस हुए हैं, यहां 3 में से 3 गायब हुए हैं, तो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट बता सकते हैं यहां वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा बोलो, 1 आएगा, यहां कितना आएगा बोलो, 2 आएगा, यहां बोलो कितना आएगा, 3 आएगा, इस तरीके से, ठीक है, ये हो जाएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं और इसमें इसमें क्या करेंगे, इसका जो वैलेंसी फैक्टर है वो कितना आने वाला है, वो 1 ही आने वाला है,
इसका जो बैलेंसी फैक्टर है वो 1 आने वाला है, इसका जो बैलेंसी फैक्टर है वो कितना आने वाला है, वो 1 आने वाला है। तो इन सभी का जो बैलेंसी फैक्टर है वो 1 आएगा। ओके, तो इस तरीके से हो जाएगा। ओके डन। ठीक है, नोट कर लिया यहां तक, है ना? ओके okay. यस, एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर इक्वल ही है ना? एक ही है, हम लोग तो एक ही ट्रीट करते हैं, दोनों को कोई दिक्कत नहीं है, एक ही जैसा। कोई कोई एन फैक्टर लिख रहा है तो कोई वैलेंसी फैक्टर लिख रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है। आप एन फैक्टर, अगर पहले एन फैक्टर बोला गया तो आप एन फैक्टर लिख लो, कोई समस्या नहीं है ना? तो इस तरीके से क्या होगा, ये आपका, आप इसे नोट करो फटाफट और मुझे बताओ, नोट हो गया तो मैं आगे बढ़ जाऊं। वट इज यूज वेट इक्विवेलेंट वेट वी यूज इफ इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बट नोबडी टोल्ड अस। अच्छा, किसी ने नहीं बताया, थोड़ा मुझे टाइम दोगे तो मैं बता दूंगा। टाइम तो दो थोड़ा सा, है ना? टाइम दो तो बता तो सब कुछ दूंगा, आपको बस टाइम देना पड़ेगा, सारी चीजें बता दूंगा, है ना? टाइम देना पड़ेगा, अगर परेशान करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने एसिड बेस रिएक्शन पढ़ लिया। नाउ एसिड बेस रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। तो सॉल्ट जब बनेगा तो कैसे बनेगा, तो नेक्स्ट हेडिंग करोगे आप लोग, और वो है, पहले आप लिखो वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर ऑफ आयंस, है ना? आयंस का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो वैलेंसी फैक्टर जो आयंस का होता है वो क्या होगा, वो होता है चार्ज, चार्ज ऑन आयंस। जो आयंस पे चार्ज होता है वही उनका वैलेंसी फैक्टर माना जाता है, ठीक है? वही उनका वैलेंसी फैक्टर माना जाता है, ठीक है? तो Al3+ है जैसे, Na+ है जैसे, Mg2+ है जैसे, Cl- आयन है जैसे, SO4-2- है जैसे, N3- आयन है जैसे, ये सब जो है ना, ठीक है, ये आयंस है। इनका, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, 3। इसका कितना आएगा, 1। इसका कितना आएगा, बोलो 2। इसका कितना आएगा, बोलो 1। इसका कितना आएगा, बोलो 2। इसका कितना आएगा, बोलो 3। तो दीज आर द वैलेंसी फैक्टर ऑफ, किसके हो जाएंगे, आयंस के हो जाते हैं ना। आयंस के वैलेंसी फैक्टर जो है ना, वो आप ऐसे, उनके चार्ज जो होते हैं, ध्यान देना कि जो नेगेटिवली चार्ज है उसको भी पॉजिटिव में लिखना है, क्योंकि जब आप इसका इक्विवेलेंट वेट लिखोगे तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, M/1 होगा, -1 नहीं होगा, क्योंकि वेट जो है ना वो नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज का भी वैलेंसी फैक्टर क्या लिखना है अपने को, वो प्लस में ही लिखना है, चार्ज के बाद प्लस में ही करना है, ठीक है? नेक्स्ट हेडिंग आप लोग करोगे, और वो है, वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट्स। वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट्स, है ना? सॉल्ट्स का जो वैलेंसी फैक्टर, वो कैसे निकाला जाता है ना? तो सॉल्ट जो होगा, हाँ, सॉल्ट दो तरीके से हमारे सामने आएंगे। एक आएंगे नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में, एक आएंगे नॉन रिएक्टिंग कंडीशंस में, और एक आएगा रिएक्टिंग कंडीशंस में। नॉन रिएक्टिंग कंडीशंस और रिएक्टिंग कंडीशंस दोनों को अपने को देख के चलना है। तो यहां पे जो वैलेंसी फैक्टर होता है जब नॉन रिएक्टिंग कंडीशन होता है, तो होता है टोटल टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल निगेटिव चार्ज ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का टोटल पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आपस में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में होंगे बराबर, है ना? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होंगे आपस में बराबर, और इसीलिए क्या होगा, इसीलिए दोनों आपस में इक्वल लिखे गए हैं, ठीक है? जैसे है Fe(SO4), जैसे है Fe2SO4 होल थ्राइस, जैसे है Fe(SO4.7H2O), ठीक है? जैसे है आपका Ca3PO4 होल ट्वाइस, इस तरीके से, ठीक है?
और एक फेमस कंपाउंड हम लोग लिखते हैं कौन सा, K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, इट इज एलम। तो बस आप देखते जाइए कितना प्लस कितना माइनस है ना, ठीक है। तो यहां पे आप देखते जाओ FeSO4 क्या होगा, FeSO4 जो होगा FeSO4 है Fe2+ आयन और -2 आयन, ठीक है, ऐसे करके। सो वैलेंसी फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर जो होगा वो 2 होगा। यहाँ पे पानी में डिजोल्व करते जाओ, पानी में डिजोल्व करते जाओ और देखते जाओ कितने आयंस बनेंगे। वाटर में डिजोल्व कर दो और ठीक है, इस तरीके से इनको वाटर में डिजोल्व कर दो। जब इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो कितने सल्फेट मिलेंगे आपको, वाटर में डिजोल्व करोगे तो कितने सल्फेट मिलेंगे, हाँ 3 सल्फेट मिलेंगे। एक सल्फेट पे चार्ज कितना होता है, एक सल्फेट पे चार्ज कितना होता है, -2। तो 3 सल्फेट पर क्या होगा, है ना, 3 सल्फेट पे क्या होगा, हाँ सिक्स -6 हो जाएगा। तो -6 की वजह से इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा बोलो, 6 हो जाएगा। वाटर में डिजोल्व करोगे यू विल गेट 2 Fe3+ और 3SO4 2-, ठीक है, इस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। नाउ सो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहां पर जो इक्विवेलेंट वेट होगा, यहाँ पे जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो क्या होगा, वो M/2 होगा। ये भी FeSO4 है लेकिन Fe4.7H2O है ना। तो ग्रीन विट्रॉल होगा, तो ग्रीन विट्रॉल जो है ना, इसका अगर मान लो इसको पानी में डिजोल्व करते हैं तो आप समझो वाटर तो जब पानी में डिजोल्व करके, क्योंकि आयंस कहाँ बनेंगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज और सॉल्ट। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपको कहाँ दिखाई देगा, वो आपको एक्वस मीडियम में दिखाई देगा। और मैंने जब चैप्टर शुरुआत ही की थी और मैंने कहा था कि वैलेंसी फैक्टर का कैलकुलेशन केवल आप एक्वस मीडियम में ही कर सकते हो, अगर मीडियम एक्वस नहीं है तो वैलेंसी फैक्टर का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ मीडियम एक्वस है, इसको पानी में डिजोल्व करो, पानी में डिजोल्व करोगे तो वाटर तो वाटर में मिल जाएगा, पानी तो पानी में मिल जाएगा। इसीलिए पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज काउंट करते समय हाइड्रेटेड पार्टिकल के H+ आयन और OH आयन कैलकुलेट नहीं किए जाते हैं, काउंट नहीं किए जाते हैं। मतलब आपको 7H+ आयन और 7OH आयन आपको नहीं काउंट करना है, 7H+ आयन और 7OH आयन आपको काउंट नहीं करना है, केवल आपको Fe2+ और सल्फेट आयन को देखना है। तो इसका बैलेंसी फैक्टर बताओगे इस पूरे कंपाउंड का कितना आएगा, FeSO4.7H2 ग्रीन विट्रॉल का। हाँ सब लोग एग्री कर रहे हैं, 2 आएगा, वेरी गुड, 2 आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज और समझ लो, पानी को पानी में मिला दिया कोई दिक्कत नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपने ऐसा किया, अगर इसका इक्विवेलेंट वेट पूछा तो मॉलिकुलर वेट 2 होगा। तो ऐसा मत करना कि मॉलिकुलर वेट जो है ना में आप क्या करो, ये 7H2O को काउंट नहीं करो, मॉलिकुलर वेट में तो करना पड़ेगा है ना, वरना पानी में पानी नहीं बल्कि पानी फिर जाएगा आपके क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे Fe का 56 होगा, सल्फेट का कितना होगा, 96 होगा, और 7 × 18 करना मत भूलना, मॉलिकुलर वेट में 7 × 18 करना मत भूलना, ठीक है, इस तरीके से आएगा। हाँ लेकिन यहां पर अगर बात करें, इस जगह पे बात करें तो यहाँ पे 56 + 96/2 ही आएगा इस जगह पे, ये ठीक है, बात समझ आ रही है ना। तो कब आपको करना है कब नहीं करना है, इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसका भी वैलेंसी फैक्टर देख लो, कैल्सियम पे चार्ज कितना होता है, +2, 3 कैल्सियम है तो वैलेंसी फैक्टर क्या ले लेना बोलो, 6 आ जाएगा, है ना, वैलेंसी फैक्टर 6 आ जाएगा। तो ये सॉल्ट का हमने वैलेंसी फैक्टर पढ़ा किसमें, सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर पढ़ा हमने किसमें, नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में, ठीक है। नाउ आई विल डिस्कस इन द रिएक्टिंग कंडीशन। नोट कर लो, नोट एलम का, अच्छा एलम करेगा क्या, हाँ एलम का कर लो। एलम में कितने सल्फेट दिखाई दे रहे हैं, एलम में कितने सल्फेट दिखाई दे रहे हैं, 4 दिखाई दे रहे हैं। तो 4 का -2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, बस हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 24H2O को मत लेना, 24H2O को मत लेना, पानी पानी में मिल जाएगा, बैलेंसी फैक्टर 8 आ जाएगा। या फिर इससे कर लो, पोटेशियम वाले से 2K+ आएगा और यहां से 2Al3+ आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज देख लो, ये 2+ है, ये 6+ है, ये 6+ है, तो भी 8+ आ रहा है, तो भी आ जाएगा, प्लस माइनस किसी से भी कर लो, ठीक है, यस ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। फेरस अमोनियम सल्फेट मोरा मोहर साल्ट का 1 आता है, मोहर साल्ट में केवल Fe+ आयन जो होता है, ठीक है। क्या नहीं आया समझ में,
सल्फेट आयन कितने हैं यहाँ पे? सल्फेट आयन एक ये सल्फेट आयन है और तीन सल्फेट आयन ये हैं, तो टोटल चार सल्फेट आयन जो है ना, टोटल चार सल्फेट आयन जो है ना पानी में जाएंगे। एक सल्फेट आयन पे माइनस टू चार्ज है, चार पे माइनस एट आएगा, बट माइनस नहीं लगाना, एट आंसर आ जाएगा, यहीं से कर लो ठीक है। यहाँ पे दो पोटेशियम है तो दो के प्लस आएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज से जाना चाहते हो तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, यहाँ पे दो के प्लस है और यहाँ पे दो एल थ्री प्लस है, तो दो के प्लस और दो एल थ्री प्लस क्या होगा, छह एल थ्री प्लस, छह चार्ज यहाँ आएगा पॉजिटिव और यहाँ पे दो दो प्लस आएगा, तो ना आ जाएगा कितना, ठीक है इस तरीके से एट आ जाएगा टोटल, ठीक है अब आ गया समझ में, है ना। थमो यार बता रहा हूँ साकेत आगे, है ना सब बता दूंगा, टेंशन मत लो अभी, है ना मेरे हिसाब से पढ़ो आपके, है ना आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, आत्मा तक समझ में आ जाएगा आपको, है ना आपको आत्मा तक समझ में आ जाएगा, आप चिंता मत करो, है ना अभी आप ये सब मत करो इसका बता दो उसका बता दो, है ना थोड़ा बहुत अगर कहीं देख रखा है तो आप ही शांत रहो, है ना। वैलेंसी फैक्टर जीरो है, हो सकता है क्या? नहीं होगा वैलेंसी फैक्टर जीरो, अगर जीरो हो रहा है वैलेंसी फैक्टर तो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, है ना ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन वगैरह में आप जीरो बोल सकते हो, लेकिन मतलब नहीं है उसको, ऐसे यूज नहीं करते जीरो वगैरह का, यूज नहीं करते है ना। प्रथम हो मुझे बनाने दो बैकग्राउंड, है ना ठीक है बेस बनाने दो आप, तो मैं कर दूंगा सारे चीजें, है ना ऐसा कुछ भी नहीं है, पेशेंस रखो, है ना अभिमान मत करो, है ना अभिमान जानते क्या होता है, अभिमान तुरंत का तुरंत मान, मेरी बात तुरंत मान, दैट कॉल अभिमान, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन, वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से, है ना ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है ना, वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इनकी बात करते हैं ठीक है। और इसको चाहो तो एक रिएक्शन और लिख सकते हो कि वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ सॉल्ट्स इन रिएक्टिंग कंडीशंस, ठीक है यही है यही लिखा हुआ है सर, सॉल्ट की रिएक्टिंग कंडीशन, ये आगे सॉल्ट की रिएक्टिंग कंडीशन ठीक है थमो, है ना। नेक्स्ट है यहां पर बेसिकली सॉल्ट जब रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट देखो एसिड बेस रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट बनते हैं, अब जब सॉल्ट रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, सॉल्ट जब रिएक्ट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सॉल्ट रेडॉक्स रिएक्शन देते हैं, जब सॉल्ट का रिएक्शन होता है तो वो रेडॉक्स रिएक्शन देंगे, अब मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन देंगे, है ना। तो अब इसमें यह हो सकता है कि आप कुछ लोग हेडिंग लिखवाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का बैलेंसी फैक्टर, कुछ लोग लिखाते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसी फैक्टर, है ना। मैं मोस्टली यही लिखवाता हूँ कि वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन ऑफ द सॉल्ट इन द रिएक्टिंग कंडीशन, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, है ना, तो रिएक्ट करेंगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन देते हैं, और वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में आपको क्या करना होता है, वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करना होता है ठीक है। वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन हाँ बिल्कुल रेडॉक्स रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल है, अगर रेडॉक्स होगा तो जरूरी है तो हो पाएगा, नहीं तो एसिड बेस रिएक्शन में भी हो जाएगा ना, एसिड बेस रिएक्शन में आपका H+ आयन OH आयन के थ्रू आप थोड़ा सा वैलेंसी फैक्टर का यूज करके नॉर्मेलिटी या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे जा सकते हो ठीक है। तो वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, एसिड बेस रिएक्शन, इसके बावजूद हम लोग वहां पे क्या कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं ठीक है। आगे करते हैं, यहाँ पे जो वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन आएगा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो पाला आपका पढ़ने वाला है इसी से पढ़ने वाला है, है ना सबसे ज्यादा अभी आया भी क्वेश्चन, मैं वो जेई मेन का जो क्वेश्चन अभी आया था 5 सितंबर वाले में, तो वो भी करा दूंगा आपको यहाँ पे, है ना ठीक है कराते हैं अभी, हो जाएगा चिंता मत करो, है ना ये मेरा मेरे कैरियर का पहला ही टॉपिक था रेजोनेंस में जो मैंने पढ़ाया था
तो शानदार पढ़ाएंगे, आप चिंता मत करो। स्टार्ट मेरा कैरियर इसी टॉपिक से हुआ है, मोल कॉन्सेप्ट से, है ना, मोल कॉन्सेप्ट एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। सो वैलेंसी फैक्टर जो कैलकुलेशन होगा उसमें क्या लिखेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें होता है टोटल टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, ब्रैकेट में मोल लिख देना, बिकॉज एक मॉलिक्यूल एक मोल बन जाता है ना, केमिस्ट्री में वन मॉलिक्यूल वन मोल बन जाता है, ठीक है। तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल या पर मोल, है ना, अगर आप मोल में काम कर रहे हो तो पर मोल बोलना, और वैसे अगर आप इन जनरल काम कर रहे हो तो आप पर मॉलिक्यूल बोलकर आप काम चला सकते हो। बट अगर मुझसे आप कहोगे कि बेस्ट क्या है, तो बेस्ट मैं भाई कहूंगा हमारी केमिस्ट्री में तो मोल बोलना चाहिए, है ना। तो टोटल टोटल चेंज इन ऑक्सीजन नंबर पर मोल बोलिए या पर मोल, पर मॉलिक्यूल समझाने में थोड़ा आसान रहता है, तो पहले पर मॉलिक्यूल समझाते रहते हैं फिर आपको बोलते हैं कि आप पर मोल करिएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे एक काम शुरू करते हैं, और एक काम करते हैं पहला एग्जाम्पल लेते हैं, और पहला एग्जाम्पल लेते हैं FeSO4 का, नाम क्या है, फेरस सल्फेट। आप इसके बाद जो है ना, इनके जब ये रेडॉक्स का टॉपिक खत्म हो जाए तो आप एक बार फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिवाइज करना स्टार्ट करना, इलेक्ट्रो क्वालिटेटिव पी ब्लॉक दोबारा रिवाइज करना, एक बार फिर से आपको देखना, आपको चीजें और अच्छे से क्लियर जो है ना वो होती जाएंगी, है ना। ये टॉपिक एक्चुअली पहले होना चाहिए था, बाद में इनऑर्गेनिक के टॉपिक होने चाहिए थे, बट ये लास्ट में हो रहा है ऑर्डर में, पता नहीं जो भी है, अभी इस पे तो कोई कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि इनऑर्गेनिक का थोड़ा सा टच यहां से आ जाता है। तो FeSO4 जो होगा वो क्या होगा, FeSO4 को अगर हम ऑक्सीडाइज करा दें, किसी से भी ऑक्सीडाइज करा सकते हैं, छोटा मोटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके ऑक्सीडाइज करा दें, तो ये जाता है Fe2SO4 होल थ्राइस में, मतलब जो फेरस सल्फेट था वो किस में चला जाता है, वो फेरिक सल्फेट में चला जाता है, ठीक है। ये प्लस थ्री में चला जाएगा, ये प्लस टू में है, सबको बताए तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे इसका वैलेंसी फैक्टर पूछूंगा तो आप कितना बताओगे, कितना वैलेंसी फैक्टर बताओगे, वन बता रहे हो, सभी लोग वन के फेवर में है, है ना, सभी लोग वन के फेवर में। Fe2+ किस में जा रहा है, Fe2+ इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इन Fe3+। क्या लिखा है, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल में टोटल कितना चेंज हुआ, तो सल्फेट जैसा था वैसे ही पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ प्लस टू है, यहाँ प्लस थ्री में चला गया, तो वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, वन आएगा, ओके, ये वन आएगा। अब जो बहुत सारे डाउट्स आएंगे वो क्या है, कुछ लोग क्या करेंगे, इस Fe2 के चक्कर में यहाँ दो मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो Fe2 लिखा है ना, ये टू लिखा है, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, गलत करते हैं। मैं आपको कोई बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन तो सिखा रहा हूँ, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन नहीं सिखा रहा हूं, है ना, आपको बैलेंसिंग नहीं सिखाई जा रही है, आपको केवल क्या सिखाया जा रहा है, केवल आपको वैलेंसी फैक्टर सिखाया जा रहा है। वैलेंसी फैक्टर को बैलेंस रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, आई रिपीट, वैलेंसी फैक्टर को बैलेंस रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको तो स्पेसिस चाहिए कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखा जाए तो इस रिएक्शन में एक्चुअली हो क्या रहा है, इस रिएक्शन में Fe2+ का कन्वर्जन किस में हो रहा है, Fe3+ में हो रहा है। सो द ऑक्सीजन नंबर जो चेंज आएगी वो कितनी आएगी, बोलो, वो वन आएगी। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ, क्या समझ में आ गई। और इससे पहले जब मैं नॉन रिएक्टिंग कंडीशन पढ़ा रहा था, तो नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में जो हमारा FeSO4 था उसका वैलेंसी फैक्टर कितना आया था, नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में टू आया था, नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में टू आया था, और ये रिएक्टिंग कंडीशन में कितना आया है, बोलो, वो वन आया है। तो आपको देखना पड़ेगा हर बार कि रिएक्ट करवा रहा है कि नॉन रिएक्टिंग कंडीशन, रिएक्टिंग कंडीशन है नॉन रिएक्टिंग कंडीशन है, ये देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप वैलेंसी फैक्टर, और मीडियम कौन सा लोगे, मीडियम आपको एक्वस लेना पड़ेगा, अगर हवा में हो रहा है, एयर में हो रहा है, तो वैलेंसी फैक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है, मत लगाइएगा, कोई जरूरत नहीं उसके बाद, है ना, कोई और मोल वगैरह से आप काम कर लीजिएगा, ओके। नाउ देखते हैं, मैं एक चीज और यहां समझाना चाह रहा हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। आप हमेशा रिएक्टेंट से अगर यहां से यहां जाना चाहो तो, अभी आप रिएक्टेंट से यहां आए हो, अभी यहां से यहां जाना चाहोगे तो क्या होगा, तो आप क्या देखोगे, प्लस थ्री से प्लस टू। अच्छा बताओ, अच्छा Fe2SO4 होल थ्राइस का कितना आएगा वैलेंसी फैक्टर, Fe2SO4 फेरिक सल्फेट का, फेरिक सल्फेट का कितना आएगा,
सल्फेट का कितना आएगा? बहुत कम लोगों का आंसर आ रहा है सही। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, बस लिखना बंद कर दो, लिखना बंद कर दो, मैं चैट बंद कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको, चैट बंद कर रहा हूँ, मत लिखो अब। रौनक पूछ रहा है कि ऑक्सीजन नंबर चेंज नहीं होगा, तो वो मैं यहाँ पे क्या लिखा हूं, बड़ो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन नंबर चेंज नहीं हो रहा है तो वो रिडॉक्स रिएक्शन ही नहीं मानी जाएगी रौनक, तो वहां वैलेंसी फैक्टर का कोई यूज ही नहीं है, आएगा ही नहीं, डिफाइंड ही नहीं है, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, वहां पे डिफाइंड नहीं होगा, है ना, वहां पे उसका कोई यूज नहीं है। वैलेंसी फैक्टर का यूज इस सेक्शन में तभी आएगा, ये लैंग्वेज तभी आएगी, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, ये तभी आएगा जब चेंज हो रहा होगा, नहीं चेंज होगा तो वैलेंसी फैक्टर का कोई मीनिंग नहीं है, वो डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है रौनक, है ना। नाउ अब यहां देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, +3 से +2 जा रहा है, अब वापस जाएं, अगर हम चले जाएं, ऐसे चले जाएं, यूं जाएं, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन में जाते समय आप देखोगे +3 से +2 में गया, कितने का चेंज है, 1 का चेंज है, 1 का चेंज है, लेकिन क्या लिखा है, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में टोटल चेंज कितना, तो इस Fe2SO4 होल थ्राइस में हमारे पास 2 Fe3+ हैं, समझो हमारे पास 2 Fe3+ हैं, उन दोनों Fe3+ को फाइनली कहां पहुंचना है, फाइनली Fe2+ में पहुंचना है, तो एक का चेंज इसके लिए आएगा और एक का चेंज इसके लिए आएगा, तब आपका ये लैंग्वेज जस्टिफाई होगा, टोटल चेंज इन ऑक्सीजनेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर जो होगा वैलेंसी फैक्टर का, Into 2 कीजिएगा तो वैलेंसी फैक्टर जो है ना वो 2 आएगा। समझ में आया हो तो हाँ बोलो। कुछ लोगों ने 6 लिखा है, 6 नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में आया था, इसको जब पानी में डिजोल्व करोगे नॉन रिएक्टिंग कंडीशन होंगी, नॉन रिएक्टिंग, ये रिएक्टिंग कंडीशन में काम कर रहे हो, नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में सब्सटेंस में सल्फेट कितने मिलेंगे पानी में, 3 मिलेंगे, और एक सल्फेट पे कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव, 3 सल्फेट पे 6 नेगेटिव, 6 का आपको 6 करना होगा, तो वो 6 जिसने भी दिया है आंसर वो नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में, रिएक्टिंग कंडीशन में तो 2 आएगा। समझ में आया हो तो बोलो हाँ, नहीं तो दोनों रिपीट करा लो। यहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, यहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, मैं अगर सबको समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट कर देते हैं, ठीक है एक बार फिर से सुन लो। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास जो फेरिक सल्फेट सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस है फेरिक सल्फेट, उसमें मेरे पास 2 Fe3+ है, इससे एग्री कर रहे हो, 2 Fe3+ है या इससे एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है बोलो, 2 है, ठीक है, तो दोनों Fe3+ किस में जा रहे हैं, Fe2+ में जा रहे हैं, बिकॉज उन दोनों को ही जाना है यहाँ पे, है ना, तो एक का चेन पहले Fe3+ के लिए, एक का चेन दूसरे Fe3+ के लिए, तो वो टोटल चेन ऑक्सीजन नंबर पर मॉलिक्यूल, बिकॉज एक मॉलिक्यूल में जो होगा वो ऑक्सीजन नंबर क्या हो रहा है वो कितना, आप ऐसे सोच सकते हो, मैं ऐसे लिखता हूं, देखो डेल्टा का मतलब चेंज, डेल्टा ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, पर एटम तो भाई 1 है, मैं मान रहा हूं एक Fe एटम का जो चेंज आ रहा है वो 1 आ रहा है, लेकिन जब मैं ऐसे लिखूंगा डेल्टा मतलब चेंज ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल लिखूंगा ना, तो एक मॉलिक्यूल में 2 Fe है, तो 1 × 2 करूंगा, तो 1 × 2 करूंगा तो 2 आ जाएगा, ये होगा, ठीक है अब आ गया समझ में, है ना, इस तरीके से यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सल्फेट आयन से करो, सल्फेट आयन से नहीं कर सकते क्योंकि सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, जैसा सल्फेट आयन यहाँ पड़ा था वैसे ही सल्फेट आयन यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उसको नहीं कर सकते हैं, है ना, उसको ऐसे का ऐसे ही रहेगा, नहीं किया जा सकता है, ठीक है। 1/2 होना चाहिए, 1/2 क्यों होगा, 1/2 क्यों होगा, यस मॉलिक्यूल्स का मतलब, यस बिल्कुल माधव, मॉलिक्यूल्स का मतलब फेरिक सल्फेट एज अ होल, बिल्कुल फेरिक सल्फेट एज अ होल, ठीक है वही होगा, ठीक है इस तरीके से होगा, क्लियर हुआ। तो टोटल ये लैंग्वेज याद रखो, टोटल चेंज इन ऑक्सीजन नंबर पर मॉलिक्यूल, है ना, इसको याद रखो, टोटल चेंज इन ऑक्सीजन नंबर पर मॉलिक्यूल, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाउ कुछ केमिस्ट्री के कुछ फेमस रिएजेंट पे काम करते हैं, और जैसे K1O4 है, K2Cr27 है ना,
यस यू हैव टू मल्टीप्लाई विद एटॉमिसिटी, ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर सकते हो। नाउ एक फेमस रिएजेंट है हमारी केमिस्ट्री में, आप जानते हैं, वो है K2Cr2O7, दैट नेम इज कॉल्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो सॉल्यूशन है वो कैसा होता है, वो ऑरेंज कलर का होता है ना, और ये ऑरेंज कलर का सॉलिड भी है ना। अब जो K2Cr2O7 होता है, बेसिकली अगर हम इसका सॉल्यूशन लें तो ये क्या बनाएगा, 2K+ बनाएगा और Cr2O7 2- बनाएगा। ठीक है, ये बेकार पड़ा रहता है, इसका कोई काम नहीं है, ये +6 स्टेट में है, इस अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको पता होगा ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और मैंने इसके SRP वैल्यू वगैरह ये सब चीजें मैंने आपको सॉल्ट एनालिसिस वगैरह में पढ़ाई है ना। तो ऑरेंज कलर का होगा, ये ऑरेंज कलर का होता है, और ऑरेंज कलर का जो रीजन है वो क्या है, वो बता रखा है मैंने वहां पे, यहाँ पे 3D0 होगा है ना, और ये कहां से होगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर है ना। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने कोऑर्डिनेशन बता रखा है, सारी बातें इसमें डिस्कशन हो चुकी है। बेसिकली ये जो सब्सटेंस है ये एसिडिक मीडियम में है ना, अगर हम एसिडिक मीडियम की बात करें तो ये सब्सटेंस अपने आप को Cr2O7 2- ये अपने आप को कहां भेजता है, अपने आप को Cr3+ में भेजता है। यहां पे ऑक्सीजन नंबर 6 है, क्या आप मुझे इसका वैलेंसी फैक्टर बता सकते हो? कितना आएगा? काफी लोगों का आंसर सही आ रहा है, कुछ लोगों का आंसर 9 तक भी पहुंच गया है, ज्यादातर लोगों का आंसर जो है ना 6 आ रहा है, वेरी गुड है ना। ठीक है, इसी का क्वेश्चन आया था अभी है ना, जेई मेन में जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो उसका, उसमें ये क्वेश्चन था अभी है ना, ये इक्विवेलेंट ग्रेड का क्वेश्चन था, बताऊंगा आपको है ना। तो यहां पर क्या होगा, प्लस क्या करोगे भाई, अगर मैं वैलेंसी फैक्टर की बात करूं तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा पर एटम, कितना आएगा, 6 से 3 गया, 3 आएगा, लेकिन जब आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल निकालोगे तो एक मॉलिक्यूल में 2 क्रोमियम है ना, 2 क्रोमियम है, तो उससे आपको मल्टीप्लाई करना, 6 आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो और समझ लो मेरे पास। ठीक है, तो यहां पर एसिडिक मीडियम है ये है ना, ये जो लिखा हुआ है ये लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर है, जिनका जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा होगा उनको याद होगा, LMTC है ना, LMCT ऐसे लिखा रहता है ना, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, उससे इसका कलर आता है ना, DD ट्रांजिशन से इसका कलर नहीं आता है ना। ओके, तो यहां पर क्या होगा, यहां पे क्रोमियम जो होगा, क्रोमियम +6 में है और यहां पे क्रोमियम +6 में है, यहां दोनों को क्या होगा, यहां क्रोमियम +3 में जाएगा, तो दोनों क्रोमियम एटम +3 में जा रहे हैं। ठीक है, और ये +3 में आएगा, ये 3 का चेंज इसके लिए आएगा, तो टोटल जो चेंज आएगा कितना आ जाएगा बोलो, वो 6 का चेंज आ जाएगा, इसलिए इसका वैलेंस शीट कितना बन जाएगा, वो 6 बन जाएगा। हाँ, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थ्योरी में था, बिल्कुल सही बात है, ये वही था, वही पढ़ाया था आपको। ठीक है, और बताइए, तो 6 समझ में आ गया सब लोगों को, कोऑर्डिनेशन का ये वाला जो है समझ में आ गया है ना। ठीक है, अब इसके आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं ना, इसको थोड़ा सा और समझते हैं, वैलेंसी फैक्टर को थोड़ा सा और समझेंगे ना। सो वैलेंसी फैक्टर का जो कैलकुलेशन है किस तरीके से रहेगा, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अब अगर किसी स्टूडेंट को डिफिकल्टी आती है ना, किसी स्टूडेंट को डिफिकल्टी अगर आती है, या अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे इसका जो है ना वो बैलेंस करके इस तरीके से, जैसे चलो एक मिनट पहले करते हैं, इसको सिखा देता हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन पूछ लूंगा, बिना सिखाए नहीं पूछता हूं। तो अगर कोई किसी को लगता है कि यार उसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में दिक्कत आ रही है ना, या कहीं पे भी उसको थोड़ा और भी डाउट लगता है कि यार यहाँ कुछ ऑक्सीजन नंबर में समस्या है, तो वो रिएक्शन को बैलेंस करके भी कर सकता है ना। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो इसको बैलेंस भी कर सकता है। तो यहाँ पे क्रोमियम कितने, तो इसको आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस कर लो, यहाँ पे कितने क्रोमियम है, 2, तो आप क्रोमियम पहले बैलेंस करो, ये आपको बताया गया होगा ना, बैलेंसिंग आपको पढ़ाई गई है ना, बैलेंसिंग सबको पढ़ा दी गई थी ना।
बैलेंसिंग सबको पढ़ा दिया गया था, ठीक है, ओके। बैलेंसिंग सबको पढ़ा दिया गया था ना, तो यहाँ पर जो क्रोमियम है उसको पहले ऑक्सीजन के अलावा जो एटम है उसको बैलेंस कर लो। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने है? 7, तो कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे 7H2 हो जाएगा, ओके, ठीक है। यहाँ पे 14H+ हो जाएगा, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। ये जो आपको 6 दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो 6 दिखाई दे रहा है और ये वाला जो 6 दिखाई दे रहा है, ये सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। अगर आप बैलेंस कर लोगे, अगर आप बैलेंस कर लोगे तो आपको बैलेंसिंग फैक्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये है ना, ठीक है, अगर आप बैलेंस कर लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? बैलेंसिंग फैक्टर की मैं आपको नई डेफिनेशन लिखता हूं। अभी आपने क्या लिखा था? अभी आपने लिखा था क्या लिखा था? अभी आपने लिखा था टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, ये लिखा था, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल आपने लिखा था, ठीक है, या पर मोल आपने लिखा था, ठीक है। तो अब मैं इसका आपको एक नया डेफिनेशन लिख देता हूं। किसके बेसिस पर? इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर, जो आप मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज भी किए होंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो फैराडे सेकेंड लॉ है इलेक्ट्रोलिसिस वाला, वहां पे आपने यूज भी किया होगा इसको, तो उसी को मैं लिख रहा हूं, है ना। वो क्या है? वो है पर मॉलिक्यूल या मोल, है ना। दूसरा जो डेफिनेशन है वो ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मोल्स ऑफ सब्सटेंस, ये भी होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मोल्स ऑफ सब्सटेंस, है ना। एक मोल सब्सटेंस के लिए, पर मोल या वन मोल सब्सटेंस के लिए क्या होगा, कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इसकी बैलेंसिंग में आपको Cr2O7 के कितने मोल दिखाई दे रहे हैं, बैलेंसिंग करने के बाद Cr2O7 के कितने मोल, है ना, दिखाई दे रहे हैं, है ना, कितने मोल दिखाई दे रहे हैं? 1 मोल दिखाई दे रहे हैं। इस 1 मोल से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिखाई दे रहे हैं? 6 मोल ट्रांसफर दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए बैलेंसिंग फैक्टर कितना हो जाएगा बोलो, वो 6 हो जाएगा, है ना, बैलेंसिंग फैक्टर 6 हो जाएगा। तो ये तब की बात है जब आप क्या करोगे, जब आप ज्यादा आसानी से इनको, मतलब कहीं बैलेंस आपको दिक्कत आ रहा है तो बैलेंसिंग फैक्टर जो है ना वो 6 हो जाएगा, ठीक है। पता नहीं यार तुम लोग जो है ना, कुछ लोग क्या बीमार हो गए मानसिक रूप से, है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं ये कह रहा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मोल ऑफ सब्सटेंस, तो पर मोल ऑफ सब्सटेंस मतलब ये 1 मोल है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, इसके 1 मोल के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट्स व्हाई द बैलेंसिंग फैक्टर बिकम 6। ऐसे भी कर सकते हो, है ना, इस तरीके से भी कर सकते हो, 1 मोल से कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी ये वाला मेथड भी आपके काम आएगा, या फिर आपको, या टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल या पर मोल से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट की, समझना। तो जो इक्विवेलेंट वेट होता है, तो जो इक्विवेलेंट वेट होगा, अब उसमें क्या रहता है, इक्विवेलेंट वेट के केस में आपने क्या देखा, उसमें आपने कहा कि सर मॉलिक्यूलर वेट ले लो और डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर कर लो। एक तो ये तरीका है ना, ये m/6 आ जाएगा, जैसा यहां पे है m/6 आप इसका कर दोगे, ये कर दोगे, ठीक है। लेकिन एक तरीका और भी है इक्विवेलेंट वेट के लिए, और वो क्या है, वो है कि मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम ठीक है ना,
रिएक्टेड ऑब्लिक फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन। बड़ा काम का डेफिनेशन है, बहुत सारा काम का है ना। ये बेसिकली ज्यादा काम आएगा जो मैंने बाद में लिखा हुआ, ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज करते रहे हो, है ना, ये यूज करते रहोगे। क्या लिखा है? मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम या तो रिएक्ट होगा या फॉर्म्ड होगा बाय ट्रांसफर ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट, इज कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। ये हो जाएगा। अब कैसे, अभी इक्विवेलेंट वेट कितना आ रहा था? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन सिक्स। मॉलिक्यूलर वेट कितना, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, है ना, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, बिल्कुल कराएंगे अभी, जस्ट सारा फाउंडेशन है, बहुत सारे एग्जांपल कराएंगे हम लोग, अभी केवल फाउंडेशन चल रहा है ना, अभी सारी चीजें आपके सामने आ रही है एक एक दो दो एग्जाम्पल के साथ, अब उनको मिक्स करके हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं। सो मास ऑफ सब्सटेंस ग्राम रिएक्टेड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। वो सब्सटेंस का ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो जाता है। जैसे यहाँ पे m बाई सिक्स है, अब मैं आपसे यहाँ पे कहूं कि यहाँ पे कितना मोल सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे इस समय कितना मोल रिएक्ट कर रहा है, वन मोल रिएक्ट कर रहा है, और कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यार वन मोल सब्सटेंस जब रिएक्ट करता है तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो उल्टा चलो, एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना ट्रांसफर, कितना रिएक्ट करेगा, है ना, वन मोल डिवाइड बाई सिक्स, और वन मोल का मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई सिक्स। आंसर आ गया, आ रहा समझ में। वन मोल के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, हमारा क्या कह रहा है कि मास ऑफ सब्सटेंस ग्राम रिएक्टेड फॉर्म बाई क्या लिखा है, वो पढ़ो, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 6 मोल से 1 मोल रिएक्ट करता है तो 1 मोल से क्या होगा, 1 मोल बाई 6, और 1 मोल का मास कितना, मॉलिक्यूलर वेट बाई 6। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये निकाल सकते हो, है ना। तो इसको नोट कर लो, फिर इस पे एक एग्जाम्पल और करते हैं, और एग्जाम्पल करेंगे। तो यहाँ पे काफी कुछ थ्योरी वाला पार्ट जो है ना वो खत्म हुआ है, अब ज्यादातर जो है ना हमें एग्जाम्पल वाला पार्ट ही हमें करना है, है ना। तो नोट हो गया तो बता दो मुझे। लिख ले भाई, के लिख ले, है ना, टाइम दे रहा हूं, लिख लो के, नोट हो गया, के हाँ, बैलेंसी फैक्टर किसी का भी निकाल सकते हो, प्रोडक्ट का भी निकाल सकते हो, है ना। बैलेंसी फैक्टर यहाँ किसी का भी आ सकता है, प्रोडक्ट का भी निकाला जा सकता है, ठीक है, प्रोडक्ट का भी निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है ना। अब मैं आपको एक सब्सटेंस दे रहा हूं, उसका बैलेंसी फैक्टर निकाल के बताओ, और वो सब्सटेंस है आपका K4 FeCN6, इसको हम लोग करा देंगे ऑक्सीडाइज, और ये चला जाएगा Fe3+ में, CO2 में, NO3- आयन में, K+ में, बताइए कितना आएगा। हाँ, प्रोडक्ट बता तो दिया भाई,
बैलेंस शीट प्रोडक्ट का, नहीं सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का सेम नहीं होगा। अभी समझाता हूं, अभी समझाता हूं, है ना सोनू कुमार, इसका निकाल के दिखाओ। वैलेंसी फैक्टर के फोर एफ ई सी एन सिक्स का निकाल के दिखाओ। एफ ई थ्री प्लस है, सीओ टू है, एनओ थ्री माइनस आयन है। एफ ई थ्री प्लस है, सीओ टू है, एनओ थ्री माइनस आयन है। निकाल के दिखाओ कितना आएगा इसका। 1-1 नहीं आएगा, 50 के ऊपर आएगा, 50 के ऊपर आएगा, 50 के ऊपर आएगा यार। 1-1 नहीं आएगा, 1-2 नहीं आएगा, 50 के ऊपर आएगा, 50 के ऊपर। तो काफी बड़े बड़े आंसर पहुंच गए हैं, 50 से ऊपर था तो 100 तक पहुंचा दिया गया, बट कुछ लोगों का आंसर सही भी आया है, ये अच्छी बात है ना। कुछ लोगों का आंसर करेक्ट आया है, देखते हैं किसका करेक्ट आया वो देखते हैं। तो पहला दो मेथड है, दो मेथड मैंने सिखाए। एक तो मैंने टोटल चेंज इन ऑक्सीजन नंबर पर मॉलिक्यूल से सिखाया, पहले हम लोग वो यूज करेंगे, फिर हम लोग बैलेंस करके यूज करेंगे, है ना। तो जहां फंसने लगो, जहां पे जरा सा भी ऐसा लगता है छोटा मोटा है तब तो ठीक है, जहां भी थोड़ा बहुत फंसने लगो तो वहां बैलेंसिंग ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन अब बैलेंसिंग में स्टूडेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मैनेजमेंट में खराबी करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन जो ऐड करते हैं उसमें गड़बड़ कर जाते हैं। तो गड़बड़ी होने के चांस दोनों जगह हैं, अल्टीमेटली दोनों ही आपको अच्छे से आने चाहिए। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए था, ये हटा दो, पोटेशियम का कोई मतलब नहीं है, है ना। चाहो तो आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे के प्लस जो है ना, यहाँ प्लस वन में था तो यहाँ भी प्लस वन में है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते, -6 = 0 करते तो आपको x = +2 मिलता। Fe जो है ना +2 स्टेट में है, जो +3 में गया, ये आपके वैलेंसी फैक्टर में 1 कंट्रीब्यूट कर देगा। लेकिन आपके पास जो CN है, ये जो CN माइनस आयन था, इसमें कार्बन और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको जानना होगा, कार्बन और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको जानना होगा। ये वही स्टूडेंट जान सकता है जिसको इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आता हो, है ना। जिसको पता हो कि CN माइनस आयन कहां से आया होगा, CN माइनस आयन आया होगा वो SCN से आया होगा, जो मैंने सबसे पहली क्लास में सिखा दिया था कि भाई CN माइनस आयन जो है ना वो यहां से आएगा, ऐसे इस तरीके से, है ना, इसी का पार्ट रहा होगा। ये H प्लस आयन जो है ना यहां चला गया था, हट गया था, और ये CN माइनस आयन बन गया होगा। तो CN माइनस आयन में बेसिकली इस तरीके की सिचुएशन है, ये हटा दो। तो मैं ये बस बताना चाहता हूं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यहां पर ही रहेंगे। ये किसका इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके मैं दिखा रहा हूं, जो क्रॉस करके दिखा रहा हूं वो आपका एच प्लस एच एटम का इलेक्ट्रॉन है, जो मैंने क्रॉस से दिखाया, बाकी सब इस तरीके से। ये दोनों, ये जो है ना ट्रिपल बॉन्ड वाला इधर चला जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ठीक है ना, वो कितने बचेंगे, वो दो बचेंगे आफ्टर बॉन्डिंग। तो यहाँ पे 4 - 2 करके यहाँ पे +2 स्टेट आएगी कार्बन की, और नाइट्रोजन की आएगी 5 - 8, ठीक है, ये -3 आएगी इस तरीके से, ओके। तो यहां पर क्या होगा, कार्बन जो है ना +2 स्टेट से कहां जा रहा है, +4 स्टेट में जा रहा है CO2 में। तो एक कार्बन एटम के लिए, वन कार्बन एटम के लिए +2 से कहां जा रहा है, +4 में जा रहा है, 2 का चेंज है। ऐसे हमारे पास 6 कार्बन है तो यहां पे प्लस करना, 2 × 6 कर लेना, क्यों, क्योंकि हमारी डेफिनेशन है वैलेंसी फैक्टर की, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। अब बारी है नाइट्रोजन की, इसीलिए टोटल मॉलिक्यूल में 6 एटम है कार्बन के, तो 2 × 6 किया गया। अब बारी है नाइट्रोजन एटम की, नाइट्रोजन एटम -3 से कहां जा रहा है, नाइट्रेट में +5 में जा रहा है। सो -3 से +5, समझ रहे हो ना, ये कितना चेंज है, ये टोटल 8 यूनिट का चेंज है, किसके लिए, 1 नाइट्रोजन एटम के लिए, एंड वी हैव 6 नाइट्रोजन एटम इन अ मॉलिक्यूल। सो क्या हो जाएगा, 8 × 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 48 हो गया, और ये कितना, 12, 48 और जो 12 होगा वो कितना हो जाएगा, 60, 61 आ जाएगा, है ना, इस तरीके से जो है ना इसका आंसर, ठीक है। हाँ,
तो ये जो आंसर आएगा वो 61 आंसर आएगा, ठीक है। K4FeCN6 का जो आंसर है वो इस तरीके से कितना आएगा, वो सिक्स आंसर जो है ना 61 आंसर आना चाहिए। देखो ये आंसर आ रहा है, देखो ये आंसर आ रहा है, सिक्सटी थ्री वालों का कहाँ मिस्टेक हुआ है, 63 वालों का। सिक्सटी थ्री जिनका आया था वो कहाँ पे गड़बड़ कर रहे थे, अच्छा K4 वाला भी लिया था। बैलेंसी फैक्टर की कोई रेंज नहीं होती है, कितना भी आ सकता है। अब इसको अगर आप बैलेंसिंग से चलते हैं तो कैसे करोगे, तो बैलेंसिंग कर लेते हैं। बैलेंसिंग में पोटेशियम तो हटा दो जिसका ऑक्सीजन नंबर चेंज हो नहीं रहा है, तो क्या करते हैं आप, क्या करते हैं Fe CN6 फोर माइनस आयन होता और एक इसमें जाता है Fe 3+ में और CO2 में और NO3 माइनस आयन में। तो कार्बन का यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन होगा, कार्बन बैलेंस करो यहां पे 6 हो जाएगा ऐसे। अभी ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया 18 है ना, 18 और 12, ठीक है ना। तो आपका जो ऑक्सीजन हो गया 18 और 12, 30 हो गया है ना, तो 30 ऑक्सीजन यहां पे एक्स्ट्रा हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 30H2O लगा देंगे और यहां पे क्या करेंगे 60H+ लगा देंगे। अब आप कर लो चार्ज बैलेंस, ठीक है। तो चार्ज बैलेंस जो होगा उसमें क्या होगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज कितना आ रहा है, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है 60, तो नेगेटिव चार्ज है नहीं, 6 नेगेटिव चार्ज है, और यहां पे नेगेटिव चार्ज कितना है 4, तो यहाँ पे 4 नेगेटिव चार्ज है। मुझे यहाँ पे इधर पे केवल 4, यहाँ पे कितना आ रहा है प्लस चार्ज, कितना आ रहा है 60, 60 तो प्लस हो गया और ये 63 प्लस हो गया है ना, तो 63 तो प्लस हो रहा है यहाँ पे इस तरफ, 63 तो प्लस हो रहा है और माइनस का 6 हो रहा है। ओके तो यहाँ पे माइनस का 4 हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे 61 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं इस जगह पे, तो सिक्सटी थ्री, एक मिनट रुकना, चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा है क्या, सही है यार, आ गया मेरा एक माइनस गड़बड़ आ रहा है, 60 तो ये हो गया, 60 में से 63 में से 3 गए तो हो गया 57+, इस तरफ तो हो गया 57 का प्लस है ना, यहाँ 4 माइनस लाना है तो 3 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं 61 करूँ इलेक्ट्रॉन को तो 61 आ तो गया, आंसर आ तो रहा है यार, क्या कर रहा हूँ, ठीक है आ जाएगा, डोंट वरी, 61 आ गया आ गया आ गया, ठीक है ये आ गया 57+6, ये 57 बचेगा, 61 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो ये 61 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 मोल के ट्रांसफर से कितना आ रहा है बोलो, यहाँ पे जो 1 मोल का जो ट्रांसफर है इसके 1 मोल के सब्सटेंस से कितना आ रहा है, 61 ट्रांसफर आ रहा है, सो द वैलेंसी फैक्टर बिकम 61। तो दो तरीके से आपको समझा दिया है ना, आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ना, बैलेंस कर लो, डन। ओके 4K+ लगा देना बाद में, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, अगर आपको 4K+ लगाना है तो 4K+ यहां लगा दो, 4K+ यहां लगा दो, तो ना तो वो एटम में समस्या करेंगे ना चार्ज में समस्या करेंगे, है ना। ओके ठीक है चलो, यहां तक सिर्फ NO3 माइनस आयन का निकालना हो तो, NO3 माइनस आयन का निकालना है तो 6 मोल NO3 माइनस आयन के ट्रांसफर के लिए 61 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, तो जो नाइट्रेट आयन का अकेला वैलेंसी फैक्टर आएगा वो 61/6 आएगा, ठीक है इस तरीके से आएगा।
ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्लास को एंड कर देते हैं, है ना। यहाँ से नेक्स्ट क्लास में आप लोग वो कर लीजिएगा, है ना, उसे हो जाएगा। ओके, डन।